सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलो बच्चों, कल हम बात कर चुके हैं टेंस के बारे में। टेंस हम स्टार्ट कर चुके थे और लगभग हमारा आज थर्ड पार्ट है, इसके बारे में अच्छे से आज सीखेंगे। देखो, हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब आपको याद है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या क्या किया? अफर्मेटिव का यूज़ किया, नेगेटिव का भी कर लिया। कल हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, उम्मीद है आपने किया होगा। चलो नेगेटिव में एक दो सेंटेंस देते हैं, उसके बाद फिर आपको इंटरोगेटिव और ले चलेंगे। आप रेडी है? चलो करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, कल बात कर रहे थे हम नेगेटिव की। किसकी बात कर रहे थे? नेगेटिव की। अब आप जानते हो नेगेटिव का मीन ही क्या होता है? नो, नहीं का मतलब होता है। इसका मतलब, इसको बोलेंगे हम नकारात्मक। क्या बोलते हैं? नकारात्मक। हम हिंदी में नेगेटिव को क्या बोल देते हैं? नकारात्मक बोल देते हैं। अब इधर देखो अच्छे से, ध्यान रखो, इसका जो पैटर्न होता है ना हमारा, वो पैटर्न क्या होगा? ये बड़ी चीज है भाई, हमें पैटर्न नहीं आ रहा, इसका मीन हम कहीं ना कहीं डिफीट खा रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या करना है, पहले पैटर्न अच्छे से याद रखना है। पहले क्या लाएंगे पैटर्न में? हम पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट लाते हैं, कल बात कर चुके हैं। उसके बाद में क्या लाएंगे बच्चों? डू लाएंगे या डज लाएंगे, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है हमें। फिर आते हैं हम थर्ड स्थान पे, नोट, कल बात कर चुके हैं। फिर आते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फिर आते हैं हम ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस बड़ा हो तो पीछे उधार देते हैं, बोलते हैं हम ATC, जिसे आप कहते हो एटसेट्रा। आ रही बात समझ में? देखो इधर, पहले क्या करेंगे, पहले हम लाएंगे सब्जेक्ट, फिर आना है हमें डू या डज। डू लाते हैं हम प्लूरल के लिए और डज लाते हैं हम सिंगुलर के लिए। आ रही बात समझ में? एक बार फिर, डू किसके लिए? प्लूरल के लिए। डज किसके लिए? सिंगुलर के लिए। क्लियर बात? देखो इधर, अब कैसे, जैसे एक सेंटेंस लिया आपके लिए हमने, जैसे लिया वह खाना नहीं पकाती है। देखो, वो खाना नहीं पकाती, कैसे बनाओगे? पहले क्या लाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वो को क्या बोलते हैं? सी, कल बात कर चुके। फिर डू डज लाना है हमें, क्या लाओगे? सी सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ? सिंगुलर है, क्या लाओगे फिर? डज। उसके बाद में क्या लाना है थर्ड स्थान में हमें? नॉट, रख दीजिए। फिर क्या लाना है हमें वर्ब के पास फ्रॉम, काम क्या हो रहा है बताओ? पकाने का। पकाने को क्रिया बोलते हैं, वर्ब है यहाँ पे तो कुक। उसके बाद में क्या बचा? खाना, लिख लो फूड, बन गया आपका सेंटेंस। सारी बात समझ में? ये थे हमारे नेगेटिव। आप इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप खुद इमेजिन कीजिए और सेंटेंस बनाइए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, बजाय मेरे। देखो अब देखते हैं इंटरोगेटिव की बात करते हैं, भाई इंटरोगेटिव क्या चीज़ है वो भी सीख लेते हैं। छुड़ाई रिमो बिठा दो, चलो देखते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की। देखो इंटरोगेटिव हमारे टू टाइप चलते हैं, एक तो चलते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब से, एक चलते हैं WH वर्ड से। किससे चलेंगे? एक तो हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा WH वर्ड से। देखो कैसे चलेगा, इधर देखो, बात करते हैं हम इंटरोगेटिव की। ये देखो इंटरोगेटिव की बात कर लेते हैं। इंटरोगेटिव इसको बोलते हैं हम हिंदी में प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है ना? यानी कि इस प्रकार का हमारे पास साइन रहेगा पीछे, ध्यान रखना है। देखो इसमें क्या होता है, इसका पैटर्न हमें याद होना चाहिए। पहली बात तो इसका पैटर्न याद होना चाहिए इंटरोगेटिव का। कैसे याद रखोगे? अब तक क्या कर रहे थे हम? अब तक हम क्या कर रहे थे? सब्जेक्ट को पहले ला रहे थे, जस्ट बाद में क्या ला रहे थे? हेल्पिंग वर्ब ला रहे थे। अब क्या करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, देन इसके बाद में क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। कैसे? इधर देखो, जैसे हमने लिखा डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट लाइए। क्या लाइए? सब्जेक्ट। इससे पहले क्या कर रहे थे हम? पहले सब्जेक्ट ला रहे थे, बाद में क्या ला रहे थे? डू या डज ला रहे थे। अब क्या करेंगे हम? पहले डू डज लाएंगे, आफ्टर देन हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे। फिर आना है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट, फिर हमें लाना है ऑब्जेक्ट के बाद में
ईटीसी। अगर सेंटेंस बन जाए पीछे बताना है, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। ध्यान रखो बच्चों, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं माना जाएगा। अब देखो इधर कैसे बनाएंगे, जैसे आपके लिए एक सेंटेंस लिखा, क्या क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, अंग्रेजी बोलते हो। अब क्या किया, देखो आपसे क्वेश्चन किया गया, क्वेश्चन क्या किया गया कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा एस नो में, आप कह सकते हो हाँ या ना, इस प्रकार से बोल सकते हो। तो ये से सेंटेंस हमारे क्या होते हैं भाई, इंटरोगेटिव होते हैं। इसका पैटर्न आप देख चुके हैं अच्छे से। देखो इधर पहले इसमें ढूंढ लेते हैं, बताओ सब्जेक्ट कौन सा है, बताइए क्या आप है, आप हैं अंग्रेजी है या बोलते हो, क्या सब्जेक्ट हमारे पास, आप है, उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट। ठीक है, फिर लाना है हमें वर्ब, लानी है वर्ब, क्या है बोलते हैं, ये वर्ब होगी हमारी, क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश बोलते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। और ये डूडल्स, जैसे आप क्या करोगे, डूडल्स को जैसे आगे रखोगे उसका मीन क्या निकलेगा, क्या, इस बात का ध्यान रखना। जैसे आप जानते हो क्या का मीन तो व्हाट होता है, करते हो व्हाट, इस प्रकार से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एच बी को जैसे आगे लाएंगे उसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या। देखो अब क्या करेंगे, पहले हमें ये देखना है सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, बताओ। देखो हम बात कर चुके हैं यू को हम क्या मानते हैं, प्लूरल। जैसे हम बात करेंगे, जैसे आप चार पांच बैठे हुए भी, तो हम क्या करेंगे एक प्रकार से आपके के बात करेंगे, पूरी क्लास में हम क्या कर सकते हैं, एक के लिए भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सब की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लाएंगे यू के साथ, डू लाएंगे। क्या लाएंगे, डू। देखो हमने लिखा डू, आफ्टर देन फिर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, यू। आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम यू बोलते हैं। उसके बाद में क्या लाना है हमें, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। बताइए काम क्या हो रहा है, बोलने का। बोलने को क्या बोलते हैं हम, स्पीक कह देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, स्पीक कह देते हैं। ध्यान रखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमेशा यस और यस का जो यूज करते हैं ना, वो हमेशा अफर्मेटिव के, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव में यूज होता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और किसी के साथ नहीं होगा। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही है। इधर देखो, तो डू लिखा हमने, यू लिखा, स्पीक लिखा, अब बचा क्या हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप क्या सीखना चाह रहे हो, इंग्लिश, तो इंग्लिश लिख दीजिए आप, ऐसे लिख दिया हमने इंग्लिश। और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क बचा, रख दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखो इधर दूसरा सेंटेंस एक और देख लेते हैं, इसमें फिर चलते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की तरफ। आगे इतनी बात समझ में, पहले क्या लाएंगे, डू, फिर लर्नर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क में लगाना है। आगे बात समझ में, देखो इधर एक सेंटेंस वो लिखते हैं आपके लिए, क्या क्या दिशा, क्या दिशा रोज एक गाना गाती है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या दिशा रोज एक गाना गाती है। अब हम क्या करेंगे, पहले पहले लाएंगे डूडल्स, बताइए किसके अनुसार लाएंगे, इसके अनुसार। ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट, पर्सन है ना। अब देखो दिशा सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ, सिंगुलर है। इसका मीन डू लिखोगे, डज लिखोगे, फैक्ट है, डज लिखना है, रख दीजिए, ये डज वाला सेंटेंस हमने ले लिया डू की बजाय, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दिशा, लिख दीजिए दिशा। ध्यान रखो भाई, किसी का भी नाम आ जाए पहला वर्ड हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ये हमें याद होना चाहिए अच्छे से। डज लिखा हमने, दिशा लिखा, फिर लिखा हमने गाती है, गाने को बोलते हैं हम सिंग, क्या बोलते हैं सिंग। फिर क्या गाती है भाई, एक गाना, अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद में कब गाती है भाई, रोज गाती है, रोज को बोलते हैं हम डेली, हम आए रोज यूज करते हैं, वो लगा दे क्वेश्चन मार्क पीछे, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आ रही है बात समझ में, अरे आएगी नहीं आएगी, आएगी होगी। ये थी बात हमारी इंटरोगेटिव की, किसकी बात थी, इंटरोगेटिव की। अब देखो इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी होता है, वो भी आपने पढ़ा होगा, चलो उसकी बात कर लेते हैं, वो एक दो सेंटेंस के देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद बनाना। तो सुड़ाई रही हूँ, मिटा दूँ इनको मैं, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव की, किसकी बात करेंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव की। थोड़ा मैं जल्दी ही चल रहा हूँ, क्योंकि हमने सिक्स क्लास से पढ़े हैं टेंथ,
कब तक टेंस पढ़ेंगे, हम आना चाहते हैं वहाँ पर जो हमारे एग्जाम में आएंगे उसकी बात अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ लीजिए पहले इंटरोगेटिव, और फिर क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव। देखो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा और नहीं का भी यूज होगा। किसका, नहीं का भी, क्वेश्चन मार्क तो आएगा इसे, बीच में क्या आएगा हमारे पास नहीं का यूज होगा, यानी कि नेगेटिव सेंस आएगा। कैसे, इधर देखो, इससे पहले पैटर्न जमा लेते हैं वो ठीक रहेगा आपके लिए। देखो पैटर्न क्या होगा इसका, इसका पैटर्न क्या होगा, देखो डू डस्ट आपको लाना है ऐसे, उसके बाद में लाना है हमें सब्जेक्ट, फिर लाना है हमें थर्ड स्थान पर नोट। हम बात वही कर रहे थे अभी, नोट कहाँ आएगा, थर्ड स्थान पर। उसके बाद में हमें लाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लाना है ऑब्जेक्ट, वाक्य बढ़ाओ तो पीछे उतारो और क्वेश्चन मार्क लगाओ, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो एक सेंटेंस दिया आपको, देखो इधर, क्या रानी, क्या रानी यहाँ नहीं, क्या रानी यहाँ नहीं खेलती है। अब देखो हमने क्या किया, क्या भी लगाया और नहीं भी लगाया, क्या लगाया भाई, क्या भी लगाया और नहीं भी लगा लिया, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। जैसे क्या आया, पीछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, नोट आ गया। अब देखो जमा दिए, डू डस क्या लाओगे पहले, सब्जेक्ट देखो पहले रानी, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास रानी, तो रानी रख दीजिए पहले, तो रानी से पहले क्या लाओगे, डू या डस, क्या लाओगे, डस। कुछ क्यों, क्योंकि हमारे पास रानी के सिंगुलर, इसलिए हमने क्या कर दिया, एस लगा दिया। अब देखो सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास रानी, ये रानी रख दिया हमने। उसके बाद में क्या लाना है हमें थर्ड स्थान पे, नोट लाना है, ये रख दिया नोट, कुछ नहीं कर रहा मैं। देखो ये पैटर्न के अकॉर्डिंग जमाते चले जाइए, कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना आप आराम से जमा दोगे। तो नोट लिया है, उसके बाद लाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है भाई, खेलने का, खेलने को बोलते हैं हम प्ले, बोलते नहीं बोलते। अब देखो कहाँ पर खेलती है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, या प्लेस कह सकते हो, हियर आ गया, और कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन मार्क बचा, रख दीजिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव और नेगेटिव। चलो एक काम करते हैं, एक सेंटेंस में आपको देते हैं, आप उसको बनाना, फिर चलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की तरफ। चलो एक सेंटेंस आपको दिया हमने, क्या क्या हम, क्या हम रोज बगीचे से फूल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं। अब देखो क्या भी आ गया, तो फूल नहीं तोड़ते ऐसे लिख लो, बगीचे में से फूल नहीं तोड़ते, ये आपका लिख दिया। क्या हम रोज बगीचे से फूल नहीं तोड़ते हैं। अब देखो तोड़ने को क्या बोलते हैं, पहली बात हमें याद होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्लग, प्लग का मीन क्या हुआ, तोड़ना, क्या हुआ, तोड़ना। कहाँ से, बगीचे से, बगीचे को हम क्या बोलते हैं, गार्डन, क्या बोलते हैं, गार्डन। और फूल को क्या बोलेंगे हम, फ्लावर, क्या बोलेंगे, फ्लावर। आपको ध्यान देना है यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और प्लेस क्या है, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, आप खुद बना के लाओगे इसे, अरे बात समझ में। चलो बढ़ते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की तरफ, इसको अच्छे से बना के लाइए, कल मैं पूछूंगा आने के बाद। अब देखो डब्ल्यू एच की बात कर लूं, डब्ल्यू एच वर्ड की बात कर लूं, देखो इधर अब क्या करना है, जैसे डब्ल्यू एच का पैटर्न बनाओगे, ये डब्ल्यू एच आगे लगा दो, बस बन गया आपका सेंटेंस, आपका पैटर्न बन गया भाई यहाँ पर। नोट की आवश्यकता हो तो लगाना, अदरवाइज आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ में, जैसे अब देखो एक सेंटेंस लिखा आपके लिए, आप क्या करते हो, क्या करते हो। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया, अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है, नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो उन चीज़ों को, जो है वहाँ तक कंप्लीट कीजिए,
सबसे पहले हमें क्या लाना है, WH वर्ड लाना है। कैसे पता लगाओगे, क्योंकि हमारे पास आगे से नहीं है, पीछे है, बीच में है, कहीं भी क्या आ गया, क्या को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट बोलते हैं व्हाट। उसके बाद में क्या लाना है हमें, फिर लाना है डू या डस। क्या लाओगे बताओ, आप आ गए तो क्या लाओगे, डू। फिर लाना है हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप, आपको बोलते हैं यू। फिर लाओ वर्क, वर्क क्या है हमारे पास, करना, करने को बोलते हैं डू। और आ गया व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, हम हमेशा बोलते रहते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ, कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कहाँ लाएंगे, WH वर्ड हमारे पास क्या है, कहाँ है, कहाँ को बोलते हैं इंग्लिश में भाई, वेयर के देते हैं, क्या बोलेंगे, वेयर बोल दिया हमने। फिर क्या लाएंगे हम, डू या डस, आप आ गया तो क्या लाएंगे भाई, डू लाएंगे। फिर आना है आपको बोलते हैं हम यू, यू लिख दिया हमने। उसके बाद में वर्ब क्या है हमारे पास, रहना, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, क्या बोलेंगे, लिव। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया होगा, आ गया ना। देखो ये हमारे एक प्रकार से हैं, ये तो हिंदी वाली बात है कि भाई टेंस को ऐसे बनाते हैं। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये आती है कि हम एग्जाम में करें कैसे, ऐसे थोड़े आएगा एग्जाम में, ये तो हमारा बेस था। अब देखो इंग्लिश में जब हमारे पास पेपर आता है, तुम कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, हमारे पास करेक्ट फॉर्म आती है, हम फिर वो देखते हैं, तो उसको सीखते हैं आज, ठीक है ना। चलते हैं करेक्ट फॉर्म की तरफ। अब क्या करेंगे हम, अब बात करते हैं हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। किसकी बात करें, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेंस हमने अभी हिंदी में पढ़े, कारण ये था कि हमें ये पता लग सके कि हाँ बनाते कैसे हैं। अब देखो, अब आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। आ रही बात समझ में, आपको कुछ ऐसे क्या मिलेंगे, कुछ ऐसी एडवर्ब्स मिलेगी जिससे आपको पता लगेगा कि सेंटेंस किस टाइप का है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का, जो प्रेजेंट हमारा सिंपल टेंस है, उसकी एडवर्ब यानी कि कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो हम बात करते हैं। देखिए कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे, कैसे ये आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, कुछ कीवर्ड्स। अब देखो ये आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, जैसे आपको मिल जाए एवरी, मिल जाए एवरी डे, मिल जाए एवरी वीक, मिल जाए एवरी मंथ, मिल जाए एवरी मंथ, मिल जाए एवरी ईयर, मिल जाए एवरी ईयर, मिल जाए। उसके बाद में हमें मिल जाए और सेल्डम, मिल जाए ऑफन, मिल जाए हमें यूजुअली, मिल जाए हमें रेयरली, मिल जाए रेयरली, मिल जाए हमें रेगुलरली, मिल जाए रेगुलरली, मिल जाए हमें फ्रीक्वेंटली, मिल जाए फ्रीक्वेंटली, मिल जाए और हमें मिल जाए परहैप्स, मिल जाए परहैप्स, मिल जाए हमें। उसके बाद में फिर मिल जाए हमें, और देखो और क्या मिल सकते हैं हमें, जनरली लिखा नहीं लिखा, ये भी लिख लो, जनरली मिल जाए हमें, यूनिवर्सल थ्रू सेंटेंस मिल जाए। तो ध्यान रखना जब जब हमारे पास या यूनिवर्सल थ्रू मिल जाए, यूनिवर्सल थ्रू ट्रूथ वर्ड मिल जाए, मिल जाए, तो हम हमेशा या एक प्रकार से, और देखो फैक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए,
फैक्ट मिल जाए, हैबिचुअल सेंटेंस मिल जाए, बहुत सारी बातें आती रहेंगी, ठीक है ना। आपके लिए इतना ही खूब है, वैसे आने में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन आपके स्तर पर ये कम नहीं है, बल्कि मैंने ज़्यादा ही बताई है। ये तो मैंने बीए तक बता दिया लगभग, आप इतना कर लीजिए, वो भी कम नहीं है। देखो फैक्ट मिल जाए तो हमेशा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। किसका होगा भाई? फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, इस बात का ध्यान रखना है। फिर दोबारा समझ लेते हैं एक बार, जब भी आपको ये कीवर्ड्स मिले, कौन सा, जैसे एवरी मिल जाए, एवरी डे मिल जाए, एवरी वीक मिल जाए, एवरी मंथ मिल जाए, एवरी ईयर मिल जाए, सेल्डम मिल जाए, ऑफन मिल जाए, यूजुअली मिल जाए, रेयरली मिल जाए, फ्रीक्वेंट रेगुलरली मिल जाए, फ्रीक्वेंटली मिल जाए, परहैप्स मिल जाए, जनरली मिल जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ वर्ड मिल जाए आपको, और फैक्ट मिल जाए। तो ध्यान रखना है, फैक्ट का मतलब समझते हो, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो हमेशा फैक्ट होती है, नहीं होती है, जैसे कि आपने देखा, जैसे मेरे बात ब्लैक है, बिल्कुल फैक्ट है, है कि नहीं है, इसका मीन ये फैक्ट कहलाते हैं हमारे, होता ही नहीं होता है। अब देखो ऐसे वर्ड जहाँ मिलेंगे हमें, वो कौन सा टेंस होगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, तो उम्मीद है आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या करें, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शुड आई रिमूव, मिटा दूँ? चलो देखते हैं, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो जैसे लिखा, सी सेल्डम, फिर दिया हमें इस प्रकार से ब्रैकेट में कुक, फिर लिखा फूड फॉर हर फैमिली। आप देखो यहां पे हमें क्या मिल गया इसमें, देखो सेल्डम मिल गया, क्या मिल गया? सेल्डम। टेंस कौन सा है हमारे पास? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। किससे पता लगा? सेल्डम से। सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास? सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर है, सी सिंगुलर आ गया। अब देखो कुक आ गया, क्या लगाओगे? कुक्स लिख दोगे, कुक्स लिख दे, बताया था ना, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं? यस या एस लगाते, इसलिए हमने लिख दिया, है ना। देखो दूसरा देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए आई ऑर्डर है यहाँ पे एडमिट, माय मिस्टेक ऑलवेज, ऑफ माय फॉल्ट। देखो अब क्या कहा इसने कि आई एडमिट, एडमिट का मतलब है मानना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, मानना। देखो आई एडमिट माई मिस्टेक ऑलवेज ऑफ फॉल्ट, ऐसे करो, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि मैं मेरी गलती पर हमेशा क्या करता हूँ? गलती मानता हूँ। अभी तो देखो आप कि यहाँ पर आई क्या है हमारे पास? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ क्या आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए क्या लगाते हैं? केवल एडमिट ही लगाएंगे। कैसे पता लगा? टेंस कैसे पहचानोगे? ऑलवेज आ गया, अगर उसमें नहीं लिखा है तो जरूर लिख लेना, ऑलवेज आ गया। और देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और आज के लिए फिर इतनी क्लास रखेंगे, कल देखेंगे। देखो थर्ड एग्जाम्पल लिखा आपके लिए हमने, माई ब्रदर यूजुअली go to school on foot। अब देखो क्या देखा आपने इसमें? usually, क्या देख लिया? usually। उसके बाद इधर देखो my brother, अकेले ब्रदर की बात हो ये, इसके लिए क्या करोगे आप? गो तो लाओगे, इसे साथ में क्या लाओगे? yes लगा दोगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है बच्चों।
आज के लिए क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं। ओके।